नमस्कार, डीपीपी न्यूज़ से मैं सुभाष चौधरी आज आया हूँ यहाँ कड़ापुर क्षेत्र के अंदर। यहाँ किसानों की कुछ बिलाई वाले शुगर मिल से कुछ समस्याएं हैं, उसके बारे में हम पूछते हैं। जी साहब, क्या नाम आपका? कुलवीर सिंह। कुलवीर सिंह जी, क्या समस्या है आपकी ये सेंटर की? पेमेंट देता नहीं, हम कहते हैं सेंटर लगवा नहीं रहे। कौन सा है? मिल बिलाई। अच्छा, बिलाई मिल। अच्छा, इसके अंदर आपने आप ये आज इनका वो अखोड़ दिया कांटा? ये कहते हैं तो हमारे नाम से जो कहीं 5 किलोमीटर इधर पर दे वाले जंगल में लगा रहे थे ये। अच्छा, कांटपुर के नाम से। और कहते हैं जो तो आपको सेंटर ना मिला और कोई सा। अच्छा, तो ये इस समय तक आपका गन्ना खड़ा है कि आपने उधर डाल दिया? खड़ा ही है गन्ना, ना तो गेहूँ बोए गए अभी। अब सब उठा लिया, बट थोड़े बहुत ही काट खवा दिया डंगरों को। आपका क्या कहना जी? भैया क्या नाम आपका? सचिन नाम है। सचिन जी, ये कौन सा वो है गांव है ये? ये गांव कड़कड़ापुर है। अच्छा। बजीतपुर और बिसार कल्याणपुर, चार गांव का काटा। चार गांव का है। अच्छा, अब आप मेल प्रबंधन से मिले हो? हाँ, ये सबसे मिले हैं। वही ये समस्या सबसे बड़ी पेमेंट की है। पेमेंट वाली दिक्कत है अभी। अच्छा। ये धोखा उससे रात में लग गया। अच्छा। अब ये खोल के यहाँ जोन पे पहुँचा दिया गया। अच्छा, अच्छा, कोई मिल से कोई अधिकारी नहीं आया? अभी कोई नहीं आया, फोन करे हैं, कुछ फोन भी नहीं उठा रहे। अभी बात भी हुई है। ये आप क्या करोगे? मेरा नाम अरविंद कुमार, ग्राम बाटपुरा। हम 2 महीने से अपने सेंटर की लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 गांव हैं, बाजीतपुर, कड़ापुर, बाटपुरा और एक कल्याणपुर गांव। अच्छा जी। हम किसी कीमत पर भी इसे गन्ना नहीं देना चाहते। ये जबरदस्ती हम पर थोप रहे हैं। अब बताओ, 5 किलोमीटर दूर ही बल दिए के मौजे में सेंटर लगा दिया बाटपुरे के नाम से। अच्छा जी। कि बाटपुरे का सेंटर हमने लगा दिया, कहीं डीशो को बता रहे हैं, कहीं कहीं करालियम बता रहे हैं। अच्छा। हमारे 2 आदमी लखनऊ भी गए हुए हैं। अच्छा। अभी 21 तारीख लगी हुई है डेट इसकी। अच्छा, आपकी जो मांग है वो क्या मांग है? हमारी यह काम है कि गन्ना ऐसा नहीं देने के हमें दूसरी अन्य मिल को हमारे सेंटर कर दिया जाए, किसी और मिल को मिल जाए। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी आपसे क्या बोलते हैं इस बारे में? इस बारे में कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो लगा नहीं रहे सेंटर, हमारे बढ़ रहे और पीछे पीछे कुछ ना कुछ करते रहे। नहीं, इसके लिए आपने डीएम साहब से या एसडीएम साहब से किससे बोला? एसडीएम साहब से बोला। एसडीएम साहब ने कहा था कि मैं इससे रिपोर्ट कर के भेज दूंगा। और उस दिन हम गए तो फिर हमसे भी मिले नहीं। एडीएम मीटिंग हुई थी 6 तारीख को। अच्छा जी। 6 तारीख में सोनू को एसडीएम साहब ने गिरफ्तार के वो कर दिए थे, तो वहीं धरना स्टार्टिंग कर दिया था जिलाध्यक्ष ने। तो तब एडीएम मीटिंग हुई, एडीएम में उन्होंने हमारे सेंटरों का जिक्र रखा। तो एडीएम साहब ने भी कह दिया था कि एसडीएम साहब को कि आप लेटर यहाँ से भेज दो, हमसे बोल दिया था कि आप रिसीव ले लियो। रिसीव उन्होंने हमें दी नहीं, हम गए एक दिन मिलने तो हमसे मिले नहीं। हाँ ठीक है, आपने देखा यहाँ किसानों का हाल, बाकी आगे भी हम दिखाते रहेंगे।